अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक टेस्ट डेटा। इस टेस्ट डेटा बेसिकली क्या चीज़ होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या है, इस टेस्ट डेटा को इसकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, उसके लिए क्या बेसिकली हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने परफॉर्म करनी है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा क्या होते हैं, कितनी तरह के टेस्ट डेटा हो सकते हैं हमारे पास जो हम किसी भी सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो सोल्यूशन आइदर सही है और गलत है, वो गलत है या सही है, इसका फैसला भी टेस्टिंग के जरिए से ही किया जाएगा। जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में कि ये सब चीज़ें बेसिकली कैसे और क्या है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी टेस्ट डेटा के बारे में। टेस्ट डेटा इज अ डेटा दैट इज यूज टू चेक द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो सोल्यूशन सही है या गलत है, उसके लिए जो डाटा हम यूज करेंगे दैट डाटा विल बी कॉल्ड एज टेस्ट डाटा। आपने एक चीज बनाई, आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, एल्गोरिथम बना लिया, फ्लोचार्ट बना लिया। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि वो जो चीजें आपने बताई हैं वो सही है या गलत है, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ इनपुट्स लेते हो। वो क्या इनपुट्स हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 गिवन नंबर्स हैं, हमारे पास N0 है, N1 है और N2 है। उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 5, 15 और 3 है। इसके अलावा हमारे पास इसमें वैल्यूज हैं जी 27 माइनस 6 और 35, ठीक है। एंड इसके अलावा एक रो और है, ठीक है जी। तो हमने इन तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो पहले हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास वो तीन नंबर कौन कौन से हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, उसमें जीरो हो सकता है शामिल, इस तरह से। तो हम लोगों ने चेक करना है कि भाई वो नंबर्स जो है वो सबसे बड़ा नंबर बेसिकली कैसे निकालेंगे। तो हम उसमें डिफरेंट इनपुट्स देंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी उस इनपुट में से हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमने एक प्रोग्राम बनाया है, क्या वो ठीक से आंसर निकाल रहा है। तो बेसिकली इन चीज़ों को चेक करने के लिए जो डाटा यूज करेंगे, जो मेथडोलॉजीज यूज करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट डाटा। इसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है हमारे पास। वो एक्टिविटी क्या है जी, ये कर लिया हमने, अब एक्टिविटी की पहले बात करते हैं। एक्टिविटी ये है कि सपोज एक स्कूल ने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया है। अटेंडेंस सिस्टम ये है कि जब क्लास में या स्कूल में स्टूडेंट्स एंटर होते हैं तो वो उनको उनकी पिक्चर जो है वो सारी कैमरा के डेटाबेस में पड़ी हुई है। कैमरा हर स्टूडेंट की पिक्चर रिकॉग्नाइज करेगा और देखेगा कि क्या ये मेरे पास पिक्चर पहले से मौजूद है, ये बच्चा, ये कैंडिडेट, ये स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। अगर है तो उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा प्रेजेंट, और जिन बच्चों की एंड पे पिक्चर्स रह जाएंगी जो मैच नहीं कर रही थी वो क्या कहलाएंगे जी, वो उस दिन के एब्सेंट बच्चे होंगे। अब आप लोगों को टेस्ट डेटा बनाने को कहा गया है, और वो टेस्ट डेटा में एक्टिविटी आपको ये कही गई है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर चेक करेंगे क्या वो अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। कैसे चेक करेंगे जी? हम उसमें चेक करेंगे डिफरेंट वेदर्स की कंडीशन के मुताबिक, मीन्स के ड्रेसिंग, सर्दी यानी कि विंटर सीजन की जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी, एंड समर सीजन की जो ड्रेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट ड्रेसिंग से क्या वो टेंडर सिस्टम कहीं खराब तो नहीं हो रहा? या फिर अगर टू आइडेंटिकल पर्सन्स हैं, मीन्स के दो ट्विन्स भाई हैं, ठीक है, तो क्या वो एक की अटेंडेंस मार्क करते करते कहीं दूसरे की तो मार्क नहीं कर गया? तो इस तरह से हम उस अटेंडेंस सिस्टम को मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर चेक करेंगे कि वो अटेंडेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं है। तो उसके लिए जो टेक्निक्स, जो डाटा हम यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा जी? टेस्ट डाटा कहलाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा जो है, ये याद रखिएगा कि टेस्ट डाटा जो है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके इस टेस्टिंग सिस्टम के अंदर, मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंदर। आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, अब आप उसको चेक करो कि भाई वो सही है या नहीं है। उसके ऊपर पहले चेकिंग की जाएगी, डिफरेंट सिचुएशंस उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके हम चेक करेंगे कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, एक कार लॉन्च की गई है, तो लॉन्च करने से पहले उस कार को रोबोटिक ड्राइवर यानी कि ऑटोमेटिकली ड्राइविंग के जरिए से उसको चेक किया जाता है, उसको वॉल सेट कराया जाता है, उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में से गुजारा जाता है, उसको मुख्तलिफ वेदर में से गुजारा जाता है। तो फिर देखा जाता है कि उसकी स्किन के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर कोई फर्क तो नहीं आ रहा, उसके एयर बैग, सपोज हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, उसका एयर बैग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने सपोज एक मार्कर बनाया है, ये मार्कर जो है वो फर्ज कीजिए अगर ये बोर्ड वेट है तो क्या उसके ऊपर काम कर रहा है, ये बोर्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो गया तो क्या ये तब काम कर रहा है। तो ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर हम जब चीजों को चेक करते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, और हमें अपने सोल्यूशन का जो है वो आइडिया हो जाता है कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे जी, अपने उस सोल्यूशन को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर से उसको गुजारेंगे, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर करेंगे और देखेंगे कि क्या वो उन सिनेरियोज़ के ऊपर पूरा उतर रहा है। अगर तो वो हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल ठीक वैलिड आंसर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो चीज़ हमने डिज़ाइन की है
इट इज राइट, वो बिल्कुल करेक्ट राइट है, एग्जैक्ट है, अदरवाइज हम उसके अंदर फिर जो भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स या एरर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्टिंग यूज करते हैं। ये इसमें हमें अहमियत हासिल है, इसकी बेसिकली अहमियत है, और ये इसकी अहमियत है, और ये बेसिकली हमें वो फेवर दे रहा है कि हमारे उन चीज़ों को बेसिकली वो चेक कर रहा है कि जो भी सोल्यूशन हमने प्रॉब्लम का निकाला है क्या वो सही है, एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर दे रहा है और उन चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है, तो जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की मजीद कोशिश करेंगे। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहली टाइप है जी वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा स्टूडेंट्स क्या होता है कि सपोज कर ली एक सिस्टम जो है वो बनाया गया है जी एक से लेकर 1 to 100 वैल्यूज के लिए। तो अगर हम 1 to 100 वैल्यूज के दरमियान में ही उसको चेक करें, मीन्स कि एक सिस्टम के अंदर जस्ट हम 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू को पुट कर सकते हैं और हम उसमें 50 वैल्यू पुट करते हैं, तो डेफिनेटली 50 तो वैलिड रेंज है क्योंकि इस रेंज के मुताबिक आ रहा है। अगर तो इस रेंज के मुताबिक नंबर मीन्स कि 1 से लेकर 100 तक की ही वैल्यू 50, 60, 70, 34, 79 अगर ये नंबर पुट करेंगे तो उसका मतलब है कि हम वैलिड डाटा के ऊपर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वैलिड टेस्ट डाटा। उसके बाद आता है जी इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा का मतलब है कि उसको इनवैलिड डाटा के ऊपर चेक करना, मींस के आपने 1 से लेकर 100 तक की लिस्ट की बात की थी लेकिन अब आप उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो है जी 200, वो है जी 250, वो है जी 1000। तो अगर आप इस रेंज से बियॉन्ड, इस रेंज से बाहर की कोई वैल्यू पुट करोगे तो उसका मतलब है आप इनवैलिड डाटा के ऊपर पुट कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई इसको हम क्या कहेंगे, इनवैलिड डाटा टेस्टिंग या टेस्ट डाटा। उसके बाद हमारे पास आता है जी बाउंड्री टेस्ट डाटा। स्टूडेंट्स बाउंड्री टेस्ट डाटा क्या होता है कि जब हम लोग बाउंड्री मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू, एक चीज की जो एक्सट्रीम लिमिट होती है, आप सपोज एक नंबर को सबसे छोटे नंबर 0 पे चेक करते हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है नीचे से बिलो, और अगर हम बात करें मैक्सिमम तो आप एक ह्यूज अमाउंट उसके अंदर पुट कर लेते हो। जैसे कि एक ठीक है, एक आपने सिस्टम बनाया जो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर अपनी जो है वो प्रोसेसिंग शो करवा रहा है, तो अगर आप उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो एक नल नंबर होता है 0 पुट करते हो, वो तब भी आंसर ठीक दे रहा है, तो उसका मतलब है कि वो वैलिड सिस्टम है। ठीक है जी, तो बाउंड्री टेस्ट डाटा के अंदर हम सबसे छोटी वैल्यू यानी कि एक्सट्रीम पोजिशन वाली वैल्यू, एक्सट्रीम पोजिशन का मतलब क्या है कि जी आप सबसे टॉप वाली वैल्यू और सबसे लो वैल्यू यानी कि ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू पुट करके देख रहे हो। यहाँ पर आपने एक ह्यूज अमाउंट उसके अंदर पुट कर दी जिसमें बहुत सारी जीरो तो हमारे पास आ रही हैं, और यहाँ पर जस्ट आपने एक सिंगल जीरो पुट कर दी। तो बेसिकली इस तरह से जब हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं तो उसको बाउंड्री टेस्ट डाटा बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट स्टूडेंट्स देखें, आपने एक चीज डिजाइन की है जी जो कि जस्ट न्यूमेरिक नंबर को पुट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जस्ट नंबर्स डिजिट्स अलाउड, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट अलाउड है, लेकिन आप रॉन्ग फॉर्मेट पे जाते हो और आप जानबूझ के इसके अंदर ए पुट करते हो। तो अगर आप ए बेसिकली, अब वो तो वैलिड डाटा ही नहीं है, डाटा वैलिड कौन सा है 0 से लेकर 9 तक, वैलिड रेंज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वैलिड फॉर्मेट की। तो अगर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पुट नहीं किया बल्कि आपने एक करेक्टर ए पुट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक रॉन्ग फॉर्मेट अटेम्प्ट किया है, आपने एक रॉन्ग फॉर्मेट को यूज करने की कोशिश की है। सो दैट इज वाई हम उसको बोलते हैं जी रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। अगर ऐसे किसी डाटा के ऊपर चेक करेंगे तो वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट कहलाएगा। उसके बाद लास्ट वन है जी हमारे पास एब्सेंट डाटा। एब्सेंट टेस्ट डाटा बेसिकली ये होता है कि अगर हम एक चीज को खाली छोड़ देते हैं, मींस के मेरे पास यहां पर एक एंट्री होनी थी 0 से लेकर 9 तक की, लेकिन मैंने इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर इस फॉर्म को फिल करते हुए सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे आ गया, एक वेब पेज था उसके अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्स थे जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ये है जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट पुट करेंगे, तो आपने उसमें ये भी चेक करना है कि अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूं तो फिर मुझे सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं, जो टेस्टिंग यूज करते हैं, उसको 0 to 9 मींस के इस रेंज से बाहर आपने कुछ भी पुट नहीं किया तो उसको बोलते हैं जी एब्सेंट डाटा। मींस के जो पुट करना था वो पुट नहीं किया, खाली छोड़ दिया, या फिर आपने 10 डिजिट यहां पर पुट करने थे, आपने 9 पुट करके देख लिए, आपने 5 पुट करके देख लिए, लेस अमाउंट ऑफ डेटा पुट करके देखा, या फिर आपने उसमें कुछ भी खाली छोड़ दिया, कुछ भी पुट ही नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करता है अगर ये टेस्टिंग करनी हो तो उसको बोलते हैं एब्सेंट डाटा या एब्सेंट
डेटा टेस्टिंग। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए, जिनके अकॉर्डिंगली हम किसी भी सिस्टम के अंदर उसको उसकी करेक्टनेस देखने के लिए, उसके अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स, उसके अंदर मौजूद, उसके अंदर जो एक्सिस्टेंट हमारे पास बग्स होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्टिंग यूज करते हैं उसकी ये मेथडोलॉजीज हैं और ये कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा है जो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था जी हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर टेस्ट डेटा, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अदरवाइज टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा भी लॉन्ग में आ सकती है, और नहीं तो फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, कोई टाइप एक पूछ ली जाएगी कि ये टाइप कौन सी है, इनवैलिड टेस्ट डेटा के ऊपर बताएं, तो साथ में ये एग्जांपल्स जो बुक में मेंशन है वो लाजमी तौर पर आपको लिखनी पड़ेगी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।